तो दोस्तों आज हम बाबा त्रिलोकीनाथ घूमने आए हैं, आइए आपको यहाँ दृश्य दिखाते हैं। तो कभी कभी पता है यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ लग जाती है, तो काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे होते हैं, कुछ बूढ़े लोग भी होते हैं, थक जाते हैं, तो उनके बैठने के लिए बना रखा है, काफ़ी अच्छी सुविधा है, और हाथ धोने के लिए बना रखा है, यहाँ पर आप लोग हाथ धो सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। रात के समय भी यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ लगी रहती है, तो बल्ब का भी आयोजन किया गया है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सुविधा की गई है बाबा त्रिलोकीनाथ में। तो यहाँ पर भी हाथ धोने के लिए है और सब जगह पानी ठंडा बिल्कुल चिल एकदम। और आइए, कभी मैं एक बार आया था, बहुत टाइम हो गया, तो यहाँ पर साउंड वगैरह लगे हुए हैं, देखिए आप जैसे, तो पंखे भी जगह जगह लगा रखे, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर इंसान कोई किसी बात की दिक्कत नहीं हो सकती, आराम से लाइन लगे, चाहे 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे। एक बार मैं आया था, मुझे याद है अच्छे से, काफ़ी टाइम लग गया था, करीब 3 घंटा लग गया लाइन में लगे, बहुत भीड़ थी, बहुत हल्के हल्के आगे बढ़ रहे थे हम लोग। तो दोस्तों प्रवेश द्वार आ चुका है, अब हम लोग उसके अंदर जाएंगे, पहले हाथ धोएंगे उसके बाद अंदर जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने जूते उतारे थे तो हाथ धोना भी ज़्यादा ज़रूरी है, आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। मशीन देख रहे होंगे, जब ये आरती होती तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलती है, काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं इसको, इसमें घंटा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आइए आपको शिव जी के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारे ब्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।